नमस्कार, मैं प्रिया। आज 16 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब अपराधियों को पकड़ना होगा आसान। बिहार में पूरा हुआ 5 लाख से अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम। बिहार में 3 महीने में 38 फील्ड अस्पतालों का होगा निर्माण। बिहार से बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए चलेंगी बसें। राज्य में अनाज का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पूरा हुआ 5 लाख से अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम। बिहार में बिजली चोरी की समस्या से निजात दिलवाने के लिए ही हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया था। अभी शहरी क्षेत्रों में जोर शोर से इस मीटर को लगाने पर जोर दिया जा रहा है। अगले चरण में ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर बिजली कंपनी की तरफ से टेंडर जारी कर दिया गया है। कंपनियों की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि राज्य में 5,15,97 मीटर उपभोक्ताओं के घर में लगा दिए गए हैं। केवल पटना में ही 2,34,891 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिहार के अन्य शहर जैसे समस्तीपुर में 60,978, मोतिहारी में 48,916, पूर्णिया में 36,086 और मुजफ्फरपुर में 29,554 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। उम्मीद है कि मार्च 2025 तक बिहार के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर दिया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नंदकिशोर नवल की। नंदकिशोर नवल हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना संपन्न शीर्षस्थ आलोचकों में से एक के रूप में माने रहे हैं। उनके अध्ययन और लेखन का क्षेत्र व्यापक रहा है। निराला एवं मुक्ति बोध उनके अध्ययन के केंद्र में रहे हैं और इन दोनों पर उनका लेखन मानक महत्व रखने वाला सिद्ध हुआ है। अपने समकालीन लेखन में नए से नए कवियों पर भी लिखने वाले नवल जी ने तुलसीदास एवं सूरदास से लेकर रीति काव्य तक पर कलम चलाई है। नंदकिशोर नवल का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के चांदपुरा नामक गांव में हुआ था। हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से निराला का काव्य विकास शीर्षक विषय पर पीएचडी की उपाधि पाई थी। बिहार में अब अपराधियों को पकड़ना होगा आसान। बिहार में आने वाले दिनों में अपराध पर अंकुश लगता नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस भी अब एडवांस होती जा रही है। यही कारण है कि बिहार पुलिस ये दावा भी कर रही है कि आने वाले दिनों में अपराधियों को पकड़ना और ज्यादा आसान होने वाला है। बिहार के सभी थानों को ऑनलाइन करने और आपस में जोड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है। इसको लेकर खासतौर से पुलिस महकमे में लागू किए जा रहे CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत अब तक राज्य के 894 थाने जुड़ चुके हैं। अब तक सभी प्रमुख थाने इसमें शामिल हो गए हैं, जबकि 202 थानों को अगले महीने मार्च के अंत तक इस प्रणाली में जोड़ने का काम किया जाएगा। गृह विभाग ने इसको लेकर मॉनिटरिंग का काम भी शुरू कर दिया है। बचे हुए प्रति थाने के लिए 2-2 कंप्यूटर, यूपीएस प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, टेबल कुर्सी समेत अन्य सभी जरूरी सामान की खरीद की जा रही है, जिससे CCTNS प्रणाली से निर्धारित समय में राज्य के सभी 1,096 थानों को जोड़ा जा सके। कोतवाल जेल से रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव किए गए शिफ्ट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए मंगलवार का दिन बेहद ही अमंगल साबित हुआ, क्योंकि डोरांडा कोषागार मामले में उन्हें दोषी करार कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें पहले तो होटवार जेल में भेजा गया, वहीं उसके बाद उन्हें पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद अब उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। तब तक लालू यहीं रहेंगे। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू की तबीयत खराब होने के नाते उनके वकील की अर्जी पर उन्हें रिम्स के डॉक्टरों की निगरानी में रहने की इजाजत दी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव कई अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। कोर्ट ने उनकी सेहत को देखते हुए निर्देश दिए हैं। सीबीआई कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव को सीधे होटवार जेल भेजा गया था। वहां डॉक्टरों के पैनल ने उनकी जांच की। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें होटवार जेल से रिम्स शिफ्ट किया गया है। बच्चों के लिए जमीन देने से मना करने वालों की बात सुनेगा प्रशासन। पटना में मेट्रो डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला मुश्किल में फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि इस काम को लेकर 650 लोगों ने भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज करा दी है। इन लोगों का कहना है कि मेट्रो डिपो के लिए उनकी जमीन लिए जाने पर उनके सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए वो जमीन नहीं देने वाले हैं, जिसके बाद ही लोगों ने न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया है। पटना उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जिला प्रशासन को उचित पहल और समस्या का समाधान करने को कहा है। इसको लेकर ही 17 फरवरी को आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों के साथ प्रशासन की बातचीत होगी। ज्ञात हो पटना सदर अंचल के रानीपुर और पहाड़ी मौजा में मेट्रो डिपो और स्टेशन बनाने के लिए 73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। बिहार में 3 महीने में 38 फील्ड अस्पतालों का होगा निर्माण।
बिहार में 3 महीने में 38 प्री फैब फील्ड अस्पतालों का निर्माण होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा किए गए निर्देश के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में फील्ड अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार में 100 और 50 बेड के फील्ड अस्पतालों का निर्माण किया जाना है। सबसे खास बात यह है कि इन अस्पतालों का निर्माण बिहार मेडिकल सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से कराया जाएगा। इन अस्पतालों के बनने से इंडोर मरीजों यानी कि भर्ती होने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल और इलाज में काफी सुविधा होगी। अस्पताल में अतिरिक्त बेड होने के कारण मरीजों को दूसरे अस्पतालों में नहीं जाना होगा। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC ने निकाली रिक्तियां। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC ने वैज्ञानिक इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता के कुल मिलाकर 26 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस तय किए गए हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भिन्न भिन्न पदों के लिए भिन्न भिन्न शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी, किरण, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भू भौतिकी में 60% के साथ MSc या सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा 60% की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.iuac.res.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। देर से जमा बिलों का नहीं होगा भुगतान। वित्त विभाग ने बीते दिन सख्त कदम उठाया है, जिसके तहत ही विभाग ने कोषागारों से निकासी के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए वित्त विभाग की तरफ से सख्त निर्णय लेने की बात कही है, क्योंकि विभागों की यही कोशिश है कि बिना किसी अनियमितता के चालू वित्तीय वर्ष के सभी बकाए का भुगतान समय पर हो जाए। इसको लेकर सभी मदों के भुगतान की तारीख भी तय कर दी गई है। इसको लेकर विभागों को कहा गया है कि वो वित्त विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से बिल को पेश करें। जनवरी तक के सभी बिलों को कोषागार में जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई है। फरवरी के सभी बिल 15 मार्च तक लिए जाएंगे। वित्त विभाग के अंतिम महीने यानी कि मार्च के बिलों के लिए 20 तारीख तय कर दी गई है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने विभागों को लिखे पत्र में साफ कहा है कि 20 मार्च के बाद कोषागारों में बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हो गया तय, TET STET अभ्यर्थियों को इस दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र। TET और STET अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के मामले में बीते दिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के लगभग 43,000 शिक्षकों को 25 फरवरी तक नियुक्ति पत्र देने के ऐलान के बीच शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि सभी अभ्यर्थियों को 23 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था। इसमें ही उन्होंने कहा है कि जांच में 562 TET सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं, वहीं 358 अभी भी संदेह के घेरे में है। जो फर्जी पाए गए हैं उनकी नियुक्ति रद्द होगी, साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बनेगा दिव्यांगों का पहला क्लस्टर। बिहार में जल्द ही दिव्यांगों का पहला क्लस्टर बनने वाला है, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में बनेगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पूर्णिया जिले में चल रहे आधा दर्जन क्लस्टर आधारित उद्योग की प्रगति को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस क्लस्टर के निर्माण की बात कही है। सबसे खास बात यह है कि बिहार के इस पहली उद्योग इकाई में प्रशिक्षित दिव्यांग जूते चप्पल तैयार करेंगे। यहां दिव्यांगों के लिए भी जूते चप्पल तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिला औद्योगिक नव परिवर्तन परामर्शदात्री समिति की पिछले दिनों की गई बैठक में यहां दिव्यांग के लिए नया क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। लाइसेंस मामले की सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव को किया जवाब तलब। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने PDS लाइसेंस में महीनों तक रद्द रखने के मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव को जवाब तलब किया है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने शिवशंकर शाह की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि PDS दुकान ही आजीविका का एकमात्र साधन है। समस्तीपुर के SDO ने इसे रद्द कर दिया है। आरोप लगाया गया था कि तौलने की मशीन खराब थी। SDO के आदेश के विरुद्ध समस्तीपुर के जिलाधिकारी के समक्ष अपील की गई, लेकिन अपील साल 2020 से लंबित है। ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता हुए गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार अधिनियम मामले में दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसकी पुष्टि SSP जयंत कांत ने की है। इसको लेकर उन्होंने बताया है कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका है। पुलिस की सूचना
मिली है कि वो शहर में आया हुआ है। इसी के आधार पर जांच अभियान चलाया गया और उसे दबोचा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल 21 अगस्त को जिले के फकुली ओपी अंतर्गत NH-57 पर पुलिस ने उनकी गाड़ी से 18 लाख रूपए कैश बरामद किए थे। से बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए चलेंगी बसें। बिहार से जल्द ही अन्य राज्यों के लिए और ज्यादा बसों की सेवाएं शुरू होने वाली है। अब तक कई राज्यों के लिए बस सेवा को शुरू किया जा चुका है, वहीं अब जल्द ही बिहार से बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। परिवहन निगम ने इन दोनों राज्यों के लिए बस चलाने को निजी बस मालिक से आवेदन मांगे हैं। आवेदन के बाद निगम बस मालिकों को तय रूट पर बस चलाने की अनुमति देगा। जिन रूटों पर बसों का परिचालन के लिए आवेदन मांगा गया है उसमें पटना से गया और आसनसोल होते हुए हावड़ा, पटना से सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, गढ़वा रोड, राम अनुजगंज होते हुए अंबिकापुर तक बसों का परिचालन होगा। छपरा से पटना होते हुए औरंगाबाद, डाल्टनगंज, अंबिकापुर होते हुए कोरबा तक बस चलाने की बात कही गई है। इसी तरह से अन्य रूटों पर भी परिचालन होगा। अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल के साथ मिलेगा SMS भी। बिहार में बिजली की समस्याओं को कम करने के लिए ही बिहार सरकार पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है। इसी बीच अब आम लोगों को और ज्यादा सहूलियत देने के लिए उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिजली बिल पहुंचाने की योजना में कंपनी जुट गई है, जिसके तहत अब कंपनी ने यह तय किया है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बिल के साथ ही अनिवार्य रूप से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाए, ताकि लोगों को रकम की जानकारी आसानी से मिल सके। बिल वसूली के लिए कंपनी ने एक विशेष एजेंसी की सेवा लेने का निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में अभी बिजली बिल नहीं मिलने की शिकायत धड़ल्ले से आ रही है। मीटर रीडिंग अनिवार्य तौर पर करना है, पर ग्रामीण इलाके में एजेंसियां इसका पालन नहीं कर रही। उपभोक्ताओं को औसतन बिल दे दिया जा रहा है। में अनाज का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन। बिहार में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने अपनी मेहनत और सरकार की योजनाओं की तरफ से किए जा रहे प्रयास ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अनाज उत्पादन में बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने साल 2020-21 में अनाज उत्पादन की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। इस साल लगभग 180 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा गत वर्ष के उत्पादन से 16 लाख टन अधिक है। राज्य सरकार ने केंद्र को जो उत्पादन की अंतिम रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार उत्पादन में वृद्धि के मामलों में धान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। धान का उत्पादन 110 लाख टन हुआ है। गत वर्ष ये आंकड़ा 104 लाख टन का था। खास बात यह है कि वर्षों बाद गेहूं के उत्पादन ने भी अब तक के सबसे अधिक उत्पादन 65 लाख टन के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। पटना के 111 तालाबों में होगा मछली पालन। राजधानी पटना के कुल मिलाकर 111 तालाबों में मछली पालन की तैयारी हो रही है, जिसका दारोमदार सभी जीविका दीदियों को सौंपा गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जीविका दीदियां ऐसे तालाब में मछली पालन का काम करने वाली है जो मत्स्य विभाग के हस्तक्षेप में ना हो, साथ ही वो 1 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम क्षेत्र में हो। पटना समेत सभी जिलों में ऐसे तालाबों को चिन्हित करने का काम भी शुरू हो गया है। पटना जिले में 1 एकड़ से अधिक क्षेत्र के 111 तालाब चिन्हित किए गए हैं। इसको लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस विषय पर अधिकारियों के साथ बैठक की और अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर तालाबों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही आएंगे बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पटना आ सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पीएम मोदी 31 मार्च को बजट खत्म होने के बाद पटना आ सकते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी को पटना आने वाले हैं। वो 31 मार्च को बजट सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आने की पूरी उम्मीद है। वो विधानमंडल परिसर में बन रहे शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन कर सकते हैं। शताब्दी स्मृति स्तंभ में बिहार का पूर्व का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा। विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय का निर्माण भी होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस बाबत सारी जानकारी दी है और बताया है कि पहली बार विधायकों के PA और आप्त सचिव को भी प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। राजद कार्यालय में पसरा सन्नाटा। बीते दिन राजद परिवार के लिए तो अशुभ साबित हुआ है, साथ ही साथ राजद कार्यकर्ताओं को भी बड़ी निराशा हाथ लगी जब लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार कर दिया गया, जिसके बाद से ही समर्थकों में तो शांति दिखी ही, साथ ही राजद कार्यालय में भी सन्नाटा देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह चारा घोटाले से जुड़ा हुआ 5वां मामला था। वहीं इस मामले में 24 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामले में कोर्ट 21 फरवरी को अभागे सजा सुनाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह देश की न्यायपालिका की हार है। तरीपार, गोधरा और सृजन चोर अस्मत चोर का जो दबाव है।
लालू यादव को दोषी पाए जाने के बाद सुशील मोदी ने कसा तंज। बीते दिन लालू प्रसाद यादव को जुरांडा कोषागार में अवैध निकासी के मामले में दोषी करार क्या किया गया, उसके बाद से ही जहां एक तरफ राजद कार्यालय में सन्नाटा दिखा, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से एक के बाद एक बयान जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव का जेल जाना उनकी ही करनी का फल है। लालू जी बोया पेड़ बबूल का आम कहते हुए, इस मामले को हमने ही उजागर किया था। 1996 में पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच ना होती तो ये कभी सामने नहीं आता। तब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और वो इस मामले को रफा दफा करने की जुगत में थे, लेकिन उनके खिलाफ जांच हुई और केंद्र की प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की सरकार के दौर में ही लालू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था, जिसके बाद ही अब अंतिम पल आया है। चिराग के मोर्चे पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, चिराग को भी लिया हिरासत में। बिहार की राजधानी पटना की सड़कें बीते दिन रणभूमि में तब्दील नजर आई, जहां पर पुलिस और लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता के बीच खूब झड़प देखने को मिली। बिहार में बढ़ रहे अपराध और आपराधिक मामलों के खिलाफ और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर चिराग ने बिहार बचाओ मार्च का आगाज किया था। हालांकि इस दौरान LJPR चीफ चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि जितनी पुलिस लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया है, अगर उतनी ही पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने में लगती तो बिहार का ये हाल नहीं होता। चिराग पासवान ने कहा कि आज बिहार बदहाल है, लोग शासन प्रशासन से त्रस्त हैं और इस सरकार को कोस रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। कुशवाहा ने चिराग पासवान पर बोला हमला। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बीते दिन चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने जमकर विरोध किया। हालांकि इस दौरान पुलिस की लाठियां भी चली और चिराग को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन चिराग ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वो चुप रहने वाले नहीं है। इसी बीच चिराग के विरोध प्रदर्शन पर जदयू ने तंज कसा है, जिसके तहत लोजपा रामविलास के बिहार बचाओ मार्च पर निशाना साधते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। रामविलास पासवान के कारण चिराग पासवान को विरासत में पार्टी मिली थी, लेकिन उनकी तानाशाही के कारण ही पार्टी टूट गई और बंगला जल गया। बेहतर होता कि वो अपना समय पार्टी और बंगला को ठीक करने में लगाते। सरकार के कामकाज को लेकर बोलने का उनका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस को दिल्ली में सरकार बनाना कर देंगे मुश्किल। बिहार में महागठबंधन दल में उपचुनाव के बाद से उठे विवाद पर पूर्ण विराम लगता नजर नहीं आ रहा, उल्टा दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच राजद की तरफ से जारी किए गए बयान से राजनीति फिर से गर्मा गई है, और ये बातें किसी ने ऐसे ही नहीं कह दी बल्कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही है। इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस बिहार में राजद से पंगा लेने की भूल नहीं करे, अगर ऐसा करती है तो खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। विधान परिषद चुनाव में गठबंधन से बाहर करने के बाद राजद ने कांग्रेस को किसी तरह का पंगा नहीं लेने की चेतावनी दे दी है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो बिहार में राजद के लिए संकट पैदा नहीं करे। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से पहले भड़के रोहित शर्मा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की खराब फॉर्म से जुड़ी चिंताओं को खारिज करते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को अपना बयान जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर उनसे जुड़ी बातें बंद हो जाएंगी तो सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू हो रही T20 सीरीज से पहले जब रोहित से मीडिया ने एक बार फिर कोहली की बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर लगातार पूछा तो भारतीय कप्तान इससे खुश नहीं दिखे। सीमित ओवर की टीम के नियमित कप्तान बनाए गए रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत आप लोगों के साथ होती है, अगर आप लोग कुछ समय चुप रह पाए तो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मिर्जा गालिब की 1969 में 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया। जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 1982 में आज ही के दिन हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 से राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया था। 16 फरवरी 2009 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साल 2009-2010 का अंतरिम बजट पेश किया। 16 फरवरी 2010 में हिंदी के प्रख्यात कवि कैलाश वाजपेयी, अंग्रेजी के लेखक बद्रीनाथ चतुर्वेदी और मैथिली के दिवंगत कथाकार मनमोहन झा समेत 23 लोगों को साल 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर का जन्म 1978 में हुआ। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में आज के दिन हुआ था। 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ था। अब डेस्कटॉप से होंगे व्हाट्सएप वीडियो और वॉइस कॉल्स। अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप
पर यूज करते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको वीडियो कॉल करने के लिए अलग से फोन यूज करने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, व्हाट्सएप ने इसका इंतजाम कर दिया है, जिसके तहत व्हाट्सएप कथित तौर पर सभी वेब और डेस्कटॉप यूजर के लिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर शुरू कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसे स्टेपबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा। इससे पता चलता है कि अपकमिंग कॉलिंग फीचर आने वाले दिनों में सभी के लिए उपलब्ध हो जाना चाहिए। दरअसल यह रिपोर्ट पॉपुलर टिप्स्टर मुकुल शर्मा की तरफ से आई है, और जिसे सबसे पहले 91 मोबाइल्स ने रिपोर्ट भी किया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, रघुनाथ प्रसाद, सचिन कुमार, गौतम कुमार, राजीव कुमार, अजय कुमार, नन्नू कुमार, रिजवाना अहमद, रोशन भास्कर, अमन कुमार, श्वेता रॉय, पंकज कुमार यादव, सोनू कुमार, दुर्गेश कुमार, विजय घायल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत बना वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।